देवास में औद्योगिक थाना क्षेत्र में एक झोपड़े में अंक जमा कर सट्टे का अड्डा संचालित किया जा रहा था। वह भी अंक जमा कर ठीक उस प्रकार जैसे ग्राहक चाय पानी या ठंडाई पीने पहुंच रहे हो। झोपड़े में बकायदा अंक जमाए गए थे। एक व्यक्ति सट्टा लगाने वाले ग्राहकों से उसके पसंदीदा नंबर के पैसे वसूल रहा था तो दूसरा व्यक्ति नंबर लिख रहा था। इस बात की जानकारी मिलने पर पत्रकार कुमान सिंह अबे समाचार कवरेज करने गए थे। इसी दौरान सट्टा संचालित करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ बदतमीजी करते हुए मारपीट की थी। वे इसके साथ बदसुरू की एवं मारपीट की जानकारी जैसे ही प्रेस जगत में फैली सोशल मीडिया साइट्स पर विरोध एवं निंदात्मक स्वर मुखर हो गया। पत्रकारों के बीच आरोपियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की मांग भी उठ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वारदात के संज्ञान में आने पर सांसद एवं विधायक द्वारा भी शीघ्र कार्यवाही को कहा गया है। पत्रकार से अभद्रता एवं मारपीट की वारदात को तुल पकड़ते देख औद्योगिक थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई है। थाना प्रभारी अनिल शर्मा के निर्देशन में पुलिस बल द्वारा सटोरियों के बने अड्डे पर दबिश देकर बनी झोपड़ियों को किया नेस्तनाबूद। वहीं धरपकड़ कर लाठियां भाजते हुए जुलूस निकालते हुए चार आरोपियों को थाने लाया गया। आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। कुछ सूचना मिली थी कि कुछ जगह पर जो है अवैध रूप से गतिविधियाँ की जा रही हैं जिसमें जुआ सट्टे की शिकायत थी, तो ऐसे स्थानों पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई है और कार्रवाई की गई है और ऐसे जो सस्पेक्ट व्यक्ति हैं जिनके द्वारा जुआ सट्टा खेलते हुए पाया गया है उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की गई है और उस पर कुछ कार्रवाई हुई। क्या कार्रवाई ये पत्रकार हैं हमारे कुमान सिंह जी, उनके द्वारा कहीं पर जो है अपनी पत्रकारिता के लिए गए होंगे और वहाँ पर उनकी उनसे किसी ने बात विवाद करके उनके साथ में झगड़ा मारपीट की घटना की है जिस पे कुमार सिंह जी की रिपोर्ट पर तत्काल अपराध दर्ज किया गया है। अपराध दर्ज करके संबंधित चारों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।